हेलो गाइस, सभी लोग प्लीज बैरिकेड के पीछे की साइड हो जाएंगे। आई डोंट माइंड प्लीज लेफ्ट एंड राइट साइड में जो सेंटर का स्पेस है वो टीम सैम के लिए प्लीज ओपन कर देंगे। हमारे बीच आने वाले बना के रखेंगे। आर्मी रेडी? यस और नो? थोड़ी कम हो रही है।
था।
इसी के साथ बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली आ जाए मेरी। गणेश वंदना थी प्यारी सी, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, एवरीबॉडी गणपति बप्पा। ओके, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार हमारे साथ प्लीज मंच पर आए, एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। भारत माता के अब बिना संगीत के बोलेंगे, मैं बोलूंगा मेरे पीछे बोलेंगे एक पंक्ति के बाद। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती तेरी मुट्ठियों में बंद तू उफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत नहीं छोड़ दे, निज को तू जान, निज को तू जान, तेरी नबसी भी तेरी नब से ऊंची उड़ान है रे, तेरी नब से भी ऊंची मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। भारत माता के जय, भारत माता के जय। युवा शक्ति की जी, युवा शक्ति की जय। नारी शक्ति की जय। बाल दुनिया की जय। बाल दुनिया की बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक छोटी सी परफॉर्मेंस, एक प्यारी सी टीम और है, उन्होंने आप सभी के लिए रेडी करी है। आप क्या बोलो
हमारे गुरुग्राम महानगर के सारे नौजवान साथियों, हमारे बेटी बहनों, बाल दुनिया के कलाकारों, उपस्थित सभी अन्य श्रेष्ठ जन, आज का ये राहगिरी का कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता देने वाला एक कार्यक्रम बना है। हमको मालूम है कि 10 वर्ष पहले हरियाणा में अगर पहला राहगिरी का कार्यक्रम शुरू किया था तो यहीं गुरुग्राम से शुरू किया था मैंने। 5 वर्ष पहले भी एक बार आया था मैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने इसकी श्रृंखला शुरू की थी, दर्जनों स्थानों पर यह लगातार कार्यक्रम चलते रहे। लगभग 1,30,00,000 युवकों ने, नौजवानों ने, हमारे बेटी बेटियों ने, बेटों बेटियों ने, खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। सब कलाकारों ने अपनी अपनी कला से इसका प्रदर्शन किया। एक रिकॉर्ड बना है ये 1,30,00,000 लोगों का, हरियाणा की लगभग आधी आबादी हो जाती है। लेकिन जैसे हमको मालूम है कि बीच में कोविड आ गया था, उसके कारण से ये कार्यक्रम डिस्टर्ब हुए। फिर से आज इस कार्यक्रम को गुरुग्राम से शुरू किया जा रहा है। आज हजारों की संख्या में यहाँ युवा जो उपस्थित हुए हैं, अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी जो टैलेंट है उनकी विधा है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज एक और नया विषय भी आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि यह सप्ताह, अगला एक सप्ताह हमने सड़क सुरक्षा सप्ताह इसको मनाने का फैसला किया है और उसका भी शुभारंभ आज यहाँ से कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी हमारी गति बनी हुई है, सड़कों पर आना जाना, चाहे पैदल जाने वाले लोग हैं, चाहे साइकिलिस्ट हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, या जो चारपहिया वाहनों पर आते जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी चलते हैं, और हमारी लापरवाही से मैं कह सकता हूं, या किसी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण से भी एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। और ये एक्सीडेंट की जो गति बनी हुई है, इसका जो नुकसान है बहुत हो रहा है। देश भर में वर्ष में लगभग 4,800 लोग जान गंवा बैठते हैं हर वर्ष, अर्थात हर दिन 18-20 लोगों की जान चली जाती है, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा, शायद 40 का आंकड़ा है, 12-4, 48, तो एक महीने में 12 लोग जो हैं उसकी जान चली जाती है। और अपने यहाँ हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा ये टोल जो है, डेथ का टोल ये बना हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते काम करेगी, जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं फॉर एक्सीडेंट उनको कैसे सेफ्टी मेजर्स अपना करके ठीक किया जाए, वहीं जनता का जनजागरण करना, यातायात के नियम इनको लोगों को बताना, ताकि अगर सावधानी पूर्वक चलेंगे तो ये एक्सीडेंट्स का खतरा कम हो जाता है। सड़कों के नियम में बहुत नियम है, एक नियम जो मैंने विदेश में देखा था उसको यहाँ भी हम कोशिश करेंगे लागू करने की, कि सड़क पर चलने का अधिकार तो सबका है, लेकिन उसमें पहला अधिकार मैंने विदेश में देखा, वो जो पेडेस्ट्रियन हैं, पैदल चलने वाले हैं, पहला अधिकार उनका होता है। अगर कोई आदमी पैदल जा रहा है तो वाहन वाला भी अपना वाहन रोक लेता है। दूसरा अधिकार अगर किसी का है तो साइकिलिस्ट का है, कि अगर साइकिल वाले कहीं से निकल रहे हैं तो बड़ा वाहन वहाँ रोक लेता है। उसके बाद मोटरसाइकिल्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, यानी मोटर संचालित वाहनों की बारी सबसे बाद में होती है। यहाँ अगर कोई पैदल जाने वाला व्यक्ति सड़क पर कोने पर खड़ा हो गया तो वाहन आ रहे हैं जा रहे हो, पैदल वाला खड़ा रहता है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, उसको निकलने का जगह ही नहीं मिलती है। ये ठीक है कि ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा है, इसके लिए सड़कों पर हम जेब्राज बना रहे हैं कि उन जेब्रा स्थानों पर या फुटओवर ब्रिज से सड़कों को पार करने के लिए, जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, उसके लिए हम लगातार कोशिश में लगे हैं। तो गुरुग्राम एक ऐसा शहर है
इसका जागरण का जो काम है, चूंकि जितना भीड़ भड़के वाला शहर हो गया है, आबादी भी इसकी 25 लाख से आसपास पहुंच गई है, और जैसा बढ़ता हुआ यह स्वरूप है, ये आउटर गुरुग्राम जहां आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है, आज से 10 साल पहले ये सारे खेत होते थे, पिछले 10 साल में कितना विस्तार हो गया है। तो यहाँ के लोगों की, यहाँ के एनजीओस की, यहाँ के युवाओं की, यहाँ की पुलिस की, यहाँ के जितने भी सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की सुरक्षा के लिए वो आगे आए। बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनी मुझे यहाँ दिखाई गई है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, मैं उसका बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ कि सब लोग आगे बढ़ करके करें, क्योंकि केवल सरकार के भरोसे ये चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास सबका विश्वास, और सबका विश्वास तो सबका प्रयास, प्रयास भी सबको करना पड़ेगा। केवल हम अपने मन में सोच लें, बातों से कह लें, और उसका मन में धारणा बना लें कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अगर प्रयास नहीं किया तो सब निरर्थक होगा। तो भाइयों बहनों, आपको प्रयास में भी आगे आना होगा। इसी प्रकार से ठीक कह रहे हैं आप, वो व्यवस्था हमारे ध्यान में है। मैंने कल ही नितिन गडकरी से बात की है, बहुत जल्दी समस्या का हल होने वाला, चिंता मत करो। इसी प्रकार एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, वो है पर्यावरण का। पर्यावरण के नाते भी हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन अगर स्वच्छ हवा हमारे शरीर में नहीं गई तो यह शरीर बहुत दिन साथ देने वाला नहीं है। इसलिए वायु को भी स्वच्छ करना, उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा अपना स्थान है। तो बढ़ते हुए शहर जहां आबादी बहुत बढ़ रही है, एक अनुमान ऐसा है कि आने वाले 2050 तक हर देश की आधी आबादी शहरों में हो जाएगी। जो कभी 1901 का एक सर्वे है जिसमें केवल 11% आबादी शहरों में थी, अभी 2050 तक मोर देन 50% पीपल वुड स्टार्ट रिजाइडिंग इन सिटीज। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, इसको रोकने के लिए भी हमें गांव में भी विकास करना होगा, शहरों में भी बहुत सी चीज़ों को सावधानी बरतनी होगी। तो हम लोग पर्यावरण के नाते अपने आप को आगे बढ़ाएं, और एक इस कार्यक्रम में मैं आपको एक प्लेज दिलवाता हूं, सब जो है हिंदी में बोलूँ कि अंग्रेजी में, हिंदी में। तो इसलिए मैं एक छोटी एक प्रतिज्ञा है, उसको सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे करके और लेंगे, और उसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बीच में एक जगह करता हूँ करती हूँ आएगा, एक जगह लाऊंगा लाऊंगी आएगा, तो जिसको जो एप्लीकेबल है, देता हूँ देती हूँ, जो एप्लीकेबल है वो बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि देती वालों ने देता बोल दिया और देता वालों ने देती बोल दिया, अपने अपने हिसाब से बोलना है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं ये भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शेक, हमारे साथ सभी सरपंच स्टेज पर मौजूद हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और सर का स्वागत एक पगड़ी के साथ करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी सरपंचों का। चेक, सभी सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर, इस राहगिरी के मंच पर। मैं उनसे अनुरोध करूंगा सर का स्वागत एक पगड़ी और शॉल के साथ करें। आइए मिलकर जोरदार तालियां देते हैं इस मंच की ओर। सभी लोग गुड़गांव वासियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह से इस धूप में, लेकिन आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे साथ होंगे और ये लम्हा हम सब मिलकर बांटेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सरपंचों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ आए, इस मंच पे थे।
ओके टीम सैम।